नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेज के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु सभ्यता शुरू कर रखी है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्राचीन नगरों का अध्ययन किया है। आज कुछ महत्वपूर्ण नगर जो बचे हुए हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको दो चार बातें बता देता हूँ कि हम लोग इसी क्लास के बाद सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे, और उन तथ्यों के बाद एक सिंधु सभ्यता से जितनी भी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग लेके आएंगे। और सभी का भला हो इसके लिए आप अधिक से अधिक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और या किसी भी सब्जेक्ट की क्लास आपके लिए डाली जा रही है वो क्लास सबसे पहले आपके पास पहुँचे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए, आपका समय न लेते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग प्राचीन महत्वपूर्ण नगरों के अंतर्गत लगभग नगरों का अध्ययन कर चुके हैं, उनमें कुछ एक नगर जो बचे हैं उनमें इसी क्रम में आता है अलाहदीनो। अलाहदीनो जो नगर है ये कराची पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ये सिंधु कालीन नगर है या सिंधु सभ्यता का नगर है जो कराची पाकिस्तान के अंतर्गत है। इसकी खोज 1963 से छंत्र के मध्य हुई थी, 1963 से छंत्र के मध्य हुई थी, और WA फेयर सर्विस ने इस नगर को खोजा था। ठीक है, इसकी जो नदी है वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ से जो हमें साक्ष्य की बात करें या प्रमाण की बात करें तो यहाँ से हमें पक्की ईंटों से निर्मित कुआ प्राप्त होता है। पक्की ईंटों से निर्मित कुआ प्राप्त होता है। उसके बाद में मिट्टी का बना हुआ खिलौना भी यहाँ से मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ी भी अपने को यहाँ से प्राप्त होती है। मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ी भी अपने को कहाँ से प्राप्त होती है? अलाहदीनो से प्राप्त होती है। उसके बाद में बात करें कि अलाहदीनो को आभूषणों का खजाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आभूषणों का खजाना। यानी सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जिसे आभूषणों का खजाना कहा जाता है, जिसे आभूषणों का खजाना कहा जाता है, तो वह कौन सा नगर है? अलाहदीनो है। अलाहदीनो है कौन सा नगर है? अलाहदीनो। यानी सिंधु सभ्यता का जो अलाहदीनो नगर है उसे क्या कहा जाता है? आभूषणों का खजाना कहा जाता है। यानी इस वहाँ से ज़्यादा आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए दोबारा से देख लूँ कि अलाहदीनो कराची पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। इसकी खोज 1963 से छंत्र के मध्य हुई थी। WA फेयर सर्विस ने इसकी खोज की थी। इसकी जो नदी है वो सिंधु नदी है। पकी हुई ईंटों द्वारा निर्मित यहाँ से कुआं प्राप्त हुआ है।
मिट्टी की खिलौना गाड़ियाँ से प्राप्त हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो काफ़ी बार कंपटीशनों में पूछा भी गया है, मिलान वाले क्वेश्चनों में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आभूषणों का खजाना किसे कहा जाता है? अलाउद्दीनों को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सभ्यता की ओर। नेक्स्ट सभ्यता के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो स्थान है वो जींद हरियाणा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जींद हरियाणा। राखीगढ़ी जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है? जींद हरियाणा के अंतर्गत आता है। इसकी खोज 1963 में हुई थी, यानी पहली बार इसकी खोज 1963 में हुई थी और सूरजभान ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? सूरजभान ने इसकी खोज की थी। उसके बाद में इसका जो उत्खनन कार्य है, इसका उत्खनन कार्य 1997 से 99 के मध्य हुआ था। और अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया था। ये जो स्थान है ये सिंधु के पैरेलल बहने वाली एक नदी सरस्वती, या हम कहें घग्गर नदी के किनारे पनपा था। ये सभ्यता जो पनपी थी वो कौन सी नदी के किनारे पनपी थी? घग्गर नदी के किनारे पनपी थी। यहाँ से ऊंचे चबूतरे पर अग्निवेदियाँ मिली हैं। यहाँ से जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं ऊंचे चबूतरे पर निर्मित अग्निवेदियाँ, या हम कहें हवन कुंड, कहाँ से प्राप्त होते हैं? राखीगढ़ी से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि लोथल से भी अग्निवेदियाँ मिली है, राखीगढ़ी से भी अग्निवेदियाँ मिली है और कालीबंगा से भी अग्निवेदियाँ मिली है। ठीक है, उसके बाद में एशिया महाद्वीप की, यानी विश्व स्तर पे एशिया महाद्वीप की ऐसे कौन से प्रमुख नगर हैं जो खतरे के अंतर्गत आते हैं, या हम कहें जिसकी एशिया की ऐसी विरासतें जो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है, उनमें शामिल की गई है एशिया महाद्वीप की 10 ऐसी जगह जो धीरे धीरे क्या हो गई है? लुप्त हो गई है, जिसका कोई विशेष रख रखाव नहीं है। उसमें राखीगढ़ी को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। उसमें राखीगढ़ी को शामिल किया गया है और इस खतरे में एशिया की विरासत, जिसमें राखीगढ़ी को शामिल किया गया है 2012 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2012 में, यानी खतरे में एशिया की विरासत, जिसमें शामिल किसको किया गया है? राखीगढ़ी को किया गया है। किसको शामिल किया गया है? राखीगढ़ी को शामिल किया गया है। और राखीगढ़ी को शामिल कब किया गया? 2012 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2012 में। यानी इन 10 स्थानों में राखीगढ़ी भी शामिल है, चीन का रेशम मार्ग भी शामिल है। ठीक है, इस प्रकार के 10 ऐसे प्रमुख क्षेत्र है जिसको खतरे में शामिल किया गया है। उसके बाद में ये जो राखीगढ़ी है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सभ्यता की ओर। नेक्स्ट सभ्यता है मांडा। नेक्स्ट सभ्यता कौन सी है? मांडा। ठीक है, मांडा
जो स्थान है ये कश्मीर के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? ये कश्मीर के अंतर्गत आता है। इसकी जो नदी है वो है चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। क्योंकि हम लोगों ने इस स्थान की पीछे भी चर्चा करके आए थे चिनाब नदी। इसका जो उत्खनन कार्य है, उत्खनन कार्य है वो जगपति जोशी और मधुबाला ने करवाया था। जगपति जोशी व मधुबाला, ठीक है, जगपति जोशी और मधुबाला ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि ये सिंधु सभ्यता का उत्तरी नगर है। ये क्या है? सिंधु सभ्यता का भारत में उत्तरी नगर है। ये किस प्रकार का नगर है? ये सिंधु सभ्यता का भारत में उत्तरी नगर है और यहाँ से तीनों प्रकार की संस्कृतियों के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, यानी प्राक हड़प्पा, ठीक है, प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन। यानी यहाँ से तीनों प्रकार की संस्कृतियों के अपने को प्रमाण मिलते हैं। प्राक हड़प्पा यानी जिस समय हड़प्पा संस्कृति विकसित नहीं हुई थी या हड़प्पा जिस समय सामने नहीं आया था उससे पहले के प्रमाण, उसके बाद में हड़प्पाकालीन जब हड़प्पा संस्कृति विकसित हो चुकी थी उसके भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। उत्तर हड़प्पाकालीन हड़प्पा के बाद के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं और ये सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थान है। ये सिंधु सभ्यता का कैसा नगर है? उत्तरी नगर है। समझे आई बात? ठीक है, तो चलो उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट सभ्यता की ओर। उसके बाद में है देमाबाद, या दायमाबाद, देमाबाद या दायमाबाद, जो अहमदनगर महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। अहमदनगर महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अहमदनगर महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1958-59 में हुआ था। उत्खनन 1958-59 में हुआ था। एम एन राव के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था और इसका दूसरी बार उत्खनन कार्य है वो 1974-75 में हुआ था। दूसरी बार उत्खनन, दूसरी बार इसका जो उत्खनन था वो 1974-75 में हुआ था। 1974-75 में हुआ था, जो किसके द्वारा करवाया गया था? SR राव के द्वारा। यहाँ MN राव है, यहाँ SR राव है। SR राव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? SR राव के द्वारा करवाया गया था। इसकी जो नदी है वो है परवरा नदी। नदी है वो कौन सी है? परवरा नदी है। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का दक्षिणी अंतिम स्थान है। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का दक्षिणी अंतिम स्थान है। मैंने जब वहाँ एक ग्राफ बना के आपको समझाया था उस दौरान मैंने बताया था कि दय से दय याद रखना, दय से
दय याद रखना, दक्षिणी और देमावाद, ठीक है। यहाँ पर जो साक्ष्य हमें, यहाँ पर जो साक्ष्य मिलते हैं पीतल या कांसे का रथ प्राप्त होता है, पीतल या कांसे का जो रथ है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। ये भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दंत क्षरण रोग, दंत क्षरण रोग के भी प्रमाण मिलते हैं, रोग के प्रमाण भी अपने को कहाँ से मिलते हैं, यहीं से दीमावाद या हम बात करें दायमाबाद से मिलते हैं। उसके बाद बात करें सकरवी रोग के प्रमाण, सकरवी रोग के प्रमाण भी अपने को कहाँ से मिलते हैं, देमावाद या दायमावाद से मिलते हैं। और गणेश पूजा के साक्ष्य, और गणेश पूजा के साक्ष्य भी अपने को कहाँ से मिलते हैं, देमावाद से मिलते हैं। तो एक बार के लिए देख लीजिएगा, देमावाद या दायमावाद या दक्षिणी स्थान एक ही बात है, ध्यान रखना। देमावाद, दायमावाद, दय से दय याद रखना, दक्षिणी स्थान जो कहाँ पर पड़ता है, अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका जो उत्खनन कार्य 1958-59 में करवाया था तो वो करवाया था एम एन राव ने, ठीक है। दूसरी बार इसका उत्खनन कार्य है 1974-75 में एस आर राव के द्वारा करवाया गया था। ये जो स्थान है ये प्रवरा नदी के किनारे हैं, कौन सी नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे है। ये सिंधु सभ्यता का दक्षिणी अंतिम स्थान है या दक्षिणी बिंदु है सिंधु सभ्यता का अभी तक का। उसके बाद में हम बात करें पीतल या कांसे का जो रथ है जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, देमावाद या दायमावाद से प्राप्त होता है। दंत क्षरण रोग के प्रमाण अपने को कहाँ से मिलते हैं, दय से दय वाला, यहाँ पर भी याद रखना दंत क्षरण रोग है वो देमावाद या दायमावाद। सकरवी रोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, देमावाद या दायमावाद। और गणेश पूजा के साक्ष्य या प्रमाण अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं, देमावाद या दायमावाद। तो दोस्तों हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के अंतर्गत महत्वपूर्ण नगरों का अध्ययन लगभग यहाँ पर किया है, जो मुख्य इम्पोर्टेंट नगर है उन्हीं का। और इसके बाद में जो अगली क्लास होगी वो सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की होगी, और उसके बाद में एक क्लास आएगी जो बनेगी सिंधु सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो अभी तक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और पटवारी, और उसके बाद में हम बात करें राजस्थान पुलिस, और उसके बाद में बात करें नेट में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का एक संग्रह तैयार करके और आपके लिए मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। इतने तक मुझे इजाज़त, ऑल दी बेस्ट।